हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं प्रकाश और गणेश आपके साथ हूं। तो फिर से आ गया हूं मैं पटना जंक्शन पे, और आप लोग देख सकते हैं यहां पे बुद्धा स्मृति पार्क आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अंदर हम लोग चलने वाले हैं इसके अंदर, और आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाने वाले हैं। वीडियो बने हुए रहिए, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग अंदर चलते हैं, टिकट लेते हैं, और क्या क्या है अंदर हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, बाहर से कुछ देखने में ऐसा नज़ारा लगता है, और ये बाहर का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। तो यही टिकट काउंटर, हम लोग टिकट ले रहे हैं, टिकट लेके अंदर चलेंगे। हेलो गाइज, अभी हम बुद्धा स्मृति पार्क के अंदर एंट्री करने वाले हैं, टिकट ले चुके हैं। आप कितना देख सकते हैं टिकट, कितना टिकट चार्ज है पार्क म्यूजियम? चार टाइप का टिकट है, तो इसमें म्यूजियम एंड पार्क में अगर घूमना चाहते हैं तो 40 रुपया लगेगा, और सिर्फ पार्क में घूमना चाहते हैं तो 20 रुपया लगेगा, और एक और है कुछ स्टार्टअप कुछ पार्क ऐसा करके। अभी हम एंट्री कर चुके हैं टिकट ले करके, और बैग चेकिंग हो रहा है यहाँ पे। बैग चेकिंग होने के बाद हम लोग अंदर चले, और इसी तरह हम लोग अंदर आ चुके हैं। और ये देखिए शानदार व्यू बुद्धा पार्क का, स्मृति बुद्धा पार्क। जस्ट आपको पटना जंक्शन के बगल में ये पार्क है, कैपिटल ऑफ बिहार। और यहाँ का ये खूबसूरती आप लोग देख सकते हैं, कितना गजब का है। इसके बारे में बताया गया है, भगवान बुद्ध का बुद्ध स्मृति पार्क के अंदर हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। और अंदर म्यूजियम में बुद्ध जी का एक सॉन्ग बजता है, बहुत ही भव्य लगेगा सुनने में आप लोगों को। अभी हो रही है अंदर प्रार्थना, तो इसी तरह हम लोग अंदर चल के दिखाते हैं, सारे चीज़ों को कवर करते हैं। वीडियो पे बने रहिएगा लास्ट तक। देखिए सामने, देखिए आपको बहुत भयानक बुद्ध जी का, आप लोगों को बताया था, देखिए साउंड लगा हुआ है, और यहाँ पे आपको आवाज़ सुनने को मिल जाएगा। इसी तरह हर जगह पे माइक और लाइट भी है, बहुत खूबसूरत सा। तो पार्क में आने के बाद मज़ा ही कुछ और है। इसी तरह हम लोग आगे चल रहे हैं, और ये देखिए साइड में आपको रात में और मस्त लगने वाला है। और यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है, सरनम गच्छामी करके साउंड बज रहा है, गौतम बुद्ध के प्रार्थना होती है। और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे सारे पार्क को कवर कर रहे हैं। तो ये पार्क का नज़ारा, और बहुत सारे चीज़ें यहाँ चेंज हो चुका है। आप लोग बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ चेंज नज़र आ जाएंगे। और मैं आप लोगों को पूरा पार्क का रिव्यू दिखाता हूँ, उसके बाद मैं म्यूजियम का रिव्यू दिखाऊंगा इसी में। तो आप वीडियो बने हुए रहिए और देखते रहिए। पे बांस का प्लांट है, और इसको बांस बड़ी भी गाँव में बोला जाता है। यहाँ पर लाइट शो लगाया गया है रात में, और भी नज़ारा देखने खूबसूरत सा लगता है। अंदर में बहुत सारे लाइट लगा हुआ है। बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग है, और भगवान बुद्ध को जब देखने जाते हैं लोग, तो ऐसा सॉन्ग देख सुनने को मिल जाता है। और बहुत शांति का प्रतीक है ये सॉन्ग, और हर जगह पर आपको रास्ते में ये म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ दिख जाएगा। ये सामने में अभी भी आपको दिख रहा है, तो आप लोग आइए तो इसको गौर ज़रूर करिए। है गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये कितना खूबसूरत लग रहा है ये पार्क यहाँ पे। और वही वो म्यूज़ियम है, उसके अंदर हम लोग उसके अंदर भी चलकर हम लोग वीडियो बनाएंगे। तब तक अभी आप लोग पार्क का एंजॉय लीजिए। तो यही वो खूबसूरत ये नज़ारा आप लोगों को दिख रहा है, बहुत सारे यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। और आप लोग देख सकते हैं गणेश यहाँ पे बैठ कर एंजॉय ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं गणेश बैठ कर? एंजॉय कर रहे हैं बैठकर, और ठंडी का मौसम है, धूप ले रहे हैं, धूप ले रहे हैं, और सामने म्यूजियम देख रहे हैं, इसके अंदर चल के देखने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट लगा हुआ है, खूबसूरत सा प्लांट, देखने में बड़ा मजा आ रहा है। और लोग भी यहाँ एंजॉय करने के लिए आते हैं, लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, फुल मजा। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे यहाँ पे मतलब पेड़ पौधे लगाए गए हैं, और अच्छे अच्छे नेचर के मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मतलब आए हैं घूमने हम लोग। तो हम लोग म्यूजियम भी चलेंगे और चलकर अंदर दिखाएंगे। तब तक आप लोग इस नेचर का एंजॉय लीजिए। देखिए आप पीछे से कितना खूबसूरत सा ये नेचर लग रहा है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा ये नेचर का दिखाते हुए आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं।
चलते हैं आगे और देखिए इस खूबसूरत सा नज़ारा। और ये खूबसूरत सा नज़ारे आप लोग चारों एरिया को कवर करके हम लोग बना रहे हैं वीडियो को। चलिए बोलिए आप। हम और गणेश यहाँ पे चल रहे हैं अभी और ये देख सकते हैं आप लोग पानी का यहाँ पे व्यवस्था किया गया है, तो अभी हम लोग दिखा रहे हैं आपको। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पानी का व्यवस्था किया गया है जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये शायद झरना था ना गणेश, झरना है ना यहाँ पे, मतलब कि पानी का वाटरफॉल जैसा बनाया गया है, देखने में मज़ेदार लगेगा। और इसमें आपको हिलने का अनुमति नहीं है, बस देखने के लिए शो बनाया गया है। चारों एरिया में पानी आपको पूरा भरा मिलेगा और वाटरफॉल जैसा गिरते हुए चारों की ओर, चारों ओर झरना की तरह आपको दिख जाएंगे। तो यही नज़ारा आप लोगों को देखने के लिए, इसके अंदर लाइट भी लगाया गया है, रात में और भी मज़ेदार लगता है। तो यही वो पानी है जो मतलब स्टोर करके रखा हुआ है और इसमें मतलब शायद झरना लगा हुआ था जो अभी शायद ख़राब हो गया है, तो वही हम लोग देख रहे थे। और अच्छा से आप लोग भी देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है इसमें मतलब पानी। तो आगे की ओर ऐसी बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो बने हुए रहिए। पाटलिपुत्रा करुणा स्तूप, क्योंकि आपको राजगीर में देखने को मिल जाएगा शांति स्तूप, यहाँ पे बनाया गया है करुणा, पाटलिपुत्रा करुणा स्तूप। ये भगवान बुद्ध के लिए स्पेशल ये मंदिर है और ये भगवान बुद्ध का बहुत जगह प्रतिमा बनाया गया बिहार में, खास करके जैसे कि राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसके अंदर पूछते हैं अभी गार्ड साहब से जाने का अनुमति है। तो यही वो है, आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। वाह बहुत खूबसूरत, जो ऊपर से बहुत लंबा भी है और शीशा लगाया गया है चारों तरफ। जब हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यही वो मतलब बुद्ध का जो बना हुआ है, इसी में म्यूजियम है। तो इसके अंदर हम लोग चलेंगे और आप लोगों को दिखाने का कोशिश करेंगे, तब तक वीडियो बने हुए रहिए। और यहीं से शायद रास्ता है, हम लोग चलने का कोशिश कर रहे हैं। तो गणेश चला जाए इधर, गणेश तो पता नहीं, शायद हम लोग पता नहीं चल रहा है इधर से रास्ता है कि आगे से, एक आगे से भी रास्ता दिया हुआ है। तो आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं, उसके बाद देखते हैं किस रास्ते से हम लोग को अंदर चलना है। तो किधर चलना है गणेश हम लोगों को, इधर से क्या? चलो देखते हैं। तो हम लोग इस रास्ते से जाकर देखने वाले हैं, इस रास्ते से जा रहे हैं। तो हम लोग चढ़ रहे हैं अभी हम लोग इस रास्ते से। बहुत महंगे मार्बल हैं और सभी मार्बलों में आपको लाइट लगाया गया है। रात में देखने में जैसे कि जिस तरह लाइट लगाया गया हर जगह वाटर में, और इस जगह पे जैसा कि आप लोग सांझ के आइएगा तो और मज़ा आने वाला है, मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो इसमें जो लाइट लगाया गया है काफ़ी शानदार है और काफ़ी चेंजिंग आपको कलर नज़र आ जाएंगे। जिस तरह कि मैंने बताया कि वाटर जो वहाँ पर गिर रहा है, वाटरफॉल बनाया गया है, उसमें भी बहुत अजीब अजीब टाइप का बल्ब लगाया गया है। सिर्फ लाइट शो, यहाँ पर लाइट शो भी चलता है, तो रात में आइए फुल इन्जॉय करिए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं जैसे कि यहाँ से ऊपर से कितना ये खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, एकदम बहुत खूबसूरत देखने में, गजब। तो गजब का ये कमाल का ये पार्क है, ये पटना में भाई, पटना जंक्शन के पास ये बुद्ध स्मृति पार्क है। तो इस पार्क का भाई रिव्यू आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये लग रहा है भाई अंदर का। तो यही वो नेचर है, आप लोग चारों पार्टी का ये नज़ारा देख सकते हैं आप लोग। अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं और इसके ऊपर भी हम लोग चलने वाले हैं, जो आप लोग देख सकते हैं ऊपर का नज़ारा। वाह, और यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से शायद प्रवेश, गणेश यहीं से शायद प्रवेश है ना? नहीं, यहाँ सब शायद बंद है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से सारा गाड़ी मतलब यहाँ पे एक रखा हुआ है, पंक्चर हो गया है, तो ये शायद ख़राब है। तो शायद आगे से हम लोग देखते हैं, तो हम लोग इधर से देखते हैं, इधर से रास्ता है क्या जलने का? तो हम लोग इधर से चलेंगे अभी और इसके ऊपर चलेंगे, हम लोग म्यूज़ियम देखने का कोशिश करेंगे। भाई गजब का म्यूज़ियम बनाया हुआ, पता नहीं अंदर कैसा है, हम लोग चलकर देखते हैं। तो गणेश किधर से चलना है? हम डिज़ाइन देख रहे हैं, गणेश तो डिज़ाइन देख रहे हैं, इधर ऊपर का डिज़ाइन या खूबसूरती देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर दिखाओ, कैसा कैसा मार्बल लगाया हुआ है यहाँ पर, इधर दिखाओ बताते हैं। हाँ तो गणेश बताएँगे कुछ इसके बारे में। चारों एरिया में घूमा और घूमकर ये देखा कि चढ़ने के लिए हर जगह से बनाया गया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से आप चढ़ सकते हैं और यहाँ से बस टर्न लेकर के आप अप की ओर जा सकते हैं। यहाँ से आप चारों ओर इस एरिया को घूम सकते हैं,
इस टाइप से देखने में मज़ेदार लग रहा था। और हमने इसीलिए चारों पट्टी घूम रहे थे कि देख रहे थे कि किस किस जगह से आपको जाने का लोकेशन है। तो मैं देखता हूँ इधर से आप ऊपर की ओर चलेंगे, इसके चारों ओर आप लोग घूम सकते हैं, लेकिन इससे हम ऊपर चल रहे हैं। और इसके ऊपर जाने के बाद हम देखते हैं कि कैसा डिज़ाइन है। तो देखिए यहाँ भी आपको लाइट नज़र आ जाएंगे लगे हुए, और ये लाइट रात में मज़ेदार लगेगी। तो गाइस अभी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, गणेश ऊपर भाग गए हैं, हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग आ गए हैं शायद ऊपर, अभी हम लोग चलेंगे अंदर, देखा कहीं आप लोगों को अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो यही वो म्यूज़ियम है, आप लोग दिख रहा होगा, इसी के अंदर हम लोग चल कर अंदर दिखाने का कोशिश करते हैं आप लोगों को। वीडियो बने हुए रहिए। तो गाइस अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं, किधर से चलना है हम लोग? हाँ टिकट है, टिकट दिया था आपको क्या? टिकट ले लेते घूम लेते हैं पहले, उसके बाद चलेंगे। कौन टिकट चलते हैं? टिकट नहीं चलता है, इसका लाल टिकट रहता है। बुद्ध स्मृति पार्क है पटना, तो सर स्कोप है, तो सर म्यूजियम है, टिकट लाल रहता है, वहाँ जाइए। कहाँ पे? उधर उस साइड में। तो गाइज अभी हम आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग मतलब म्यूज़ियम का हम लोग टिकट लिए हुए थे और ऊपर हम लोग चले गए थे। तो ऊपर हम लोग गिला के बाद हम लोग पता चला कि इसका टिकट नहीं, हम लोग का म्यूज़ियम का टिकट है। तो हम लोग अभी म्यूज़ियम आ गए हैं, यही म्यूज़ियम है। तो इसी के अंदर हम लोग चल कर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो बने हुए रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। लोग जाने का रास्ता देख रहे हैं किधर से है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ। तो यहाँ पे शायद इजिप्ट है, और इजिप्ट के बाद शायद आगे से है रास्ता। देख सकते हैं आप लोग बुद्ध का यहाँ प्रतिमा बनाया गया है, कितना शानदार। यहाँ पे आने के बाद मज़ा आने वाला है, ये बहुत खुश। तो आप लोग यहाँ आइए और यहाँ आकर देखिए कितना लोग फोटो शूट करवा रहे हैं, और जंगल एक टाइप का लग रहा है और पूरा ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, आप हम घूम के देखते हैं। तो गाइस सही में ये जंगल टाइप का लग रहा है, और बहुत सारे यहाँ पे पेड़ मतलब नज़दीक नज़दीक है, इसके कारण शायद जंगल के जैसा लग रहा है, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। मतलब फ़ोटो शूट करने के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे, छोटा छोटा पेड़ है यहाँ पे, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये नज़ारा लग रहा है आप लोग। काफ़ी पेड़ एक साइज का लग रहा है, पूरा छोटा छोटा ही है, लेकिन एक साइज का ऊपर से देखने में मज़ा आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ऊपर से पूरा ढका हुआ है और नीचे सिर्फ सूखा लकड़ी, ऐसा डिजाइनिंग है पेड़ का। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और ये देख सकते हैं इधर का भी नज़ारा आप लोग देख रहा होगा, दिख रहा होगा। और इधर भी बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं भाई, गजब का ये मतलब पार्क सही में बहुत खूबसूरत है, और मतलब फैमिली के लिए और घूमने के लिए तो बहुत ही गजब का ये पार्क है। आप लोग आकर यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। वो म्यूज़ियम का गेट आगे से एंट्री गेट है, तो हम लोग चल रहे हैं आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं शायद वहाँ से एक गेट है एंट्री का। तो हम लोग उस आगे की ओर बढ़ कर अगर अंदर की ओर हम लोग चलेंगे, और यहाँ पे पानी का भी व्यवस्था किया गया है। इस हम लोग हाथ धो लेते हैं अंदर जाने के पहले, तो गणेश यहाँ पे हाथ धो ले रहे हैं, कह के अंदर चलना है म्यूज़ियम के अंदर। तो और म्यूज़ियम के काफ़ी देर के बाद हम लोग म्यूज़ियम के गेट पर पहुँच चुके हैं, और इसी रास्ते से हम लोग म्यूज़ियम के अंदर चल रहे हैं, और म्यूज़ियम के अंदर दिखाने वाले हैं क्या क्या चीज़ें। जस्ट म्यूजियम के गेट के जस्ट सामने आप लोगों को ये बांस का कुछ पेड़ दिख जाएंगे, जो बहुत खूबसूरत है, देख सकते हैं आप लोग। आखिरकार हम लोग म्यूजियम के गेट के पास पहुंच चुके हैं, वहीं से हम लोग को जाने का रास्ता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। म्यूजियम बुद्धा स्मृति म्यूजियम, यही वो म्यूजियम है जिसके अंदर हम लोग चलेंगे। तो इधर बैठने का व्यवस्था भी किया गया है, और ये प्रतिमा आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो गणेश इसके बारे में कुछ बताया जाए। म्यूजियम के टिकट लेने के बाद अभी हम गौतम बुद्ध का सीन दिखा रहे हैं बहुत, और काफ़ी जगह पर साउंड लगा कर इसके बारे में प्रार्थना किया जा रहा है, हम भी प्रार्थना कर लेते हैं थोड़ा सा। और गजब का ये प्रतिमा बनाया गया आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग देख सकते हैं, और ये श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये बनाया गया है म्यूज़ियम। तो उन्हीं ने ये म्यूज़ियम बनवाया है, और उद्घाटन भी उन्हीं ने किया है। तो चलते हैं इसके अंदर, और आगे की ओर आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं अंदर क्या क्या है इस म्यूज़ियम में। तो वीडियो बने हुए रहिए, और हम और गणेश आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सितंबर 13 को संपन्न हुआ ये, 13 सितंबर 2013 को ये बना, नीतीश कुमार कर कमलों द्वारा।
तो अभी हम लोग गेन करने वाले हैं, गणेश आगे की ओर बढ़ रहे हैं, गणेश अंदर जा रहे हैं। तो गणेश यहाँ पर साइलेंट है, फोटो तो कुछ नहीं लेना बिल्कुल नहीं। आए हुए बुद्धवान ने कहा कि अगर इस बालक ने सांसारिक दुखों को नहीं देखा तो ये परम यशस्वी सम्राट बनेगा, अन्यथा समाज से विरक्तता के समस्त साधन जुटा दिए। फिर भी सिद्धार्थ का मन विचलित रहा। ये देख उनके पिता ने बाल्यावस्था में ही उनका विवाह अत्यंत रूपवती राजकुमारी यशोदा से करवा दिया, पर उन्हीं को गौण काफी दूर जाने पर उनका सामना क्रमशः प्रेत, बीमार, मृतक और एक भिक्षु से हुआ। ये दृश्य देखकर सिद्धार्थ के मन में अनेकों प्रश्न जागे। वृद्धावस्था टल न पाए, स्वस्थ काया कब रोगी बन जाए, मौत से कोई जीत न पाए और ये भिक्षु कहां चलता जाए। इन्हीं प्रश्नों से विचलित सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे विलासिता को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़ेंगे। आषाढ़ पूर्णिमा की रात्रि को वे अपनी पत्नी और पुत्र राहुल को छोड़ सत्य की खोज में निकल पड़े। अनुमा नदी पार कर उन्होंने अपने केश काट दिए और सन्यासी वस्त्र धारण कर लिए। वे दक्षिण दिशा में मगध की राजधानी राजगढ़ पहुंचे। महाराज बिंबिसार के अनुरोध पर सिद्धार्थ ने वचन दिया कि लक्ष्य प्राप्ति के बाद वे पुनः वापस आएंगे। अपनी खोज जारी रखते हुए गौतम दो विद्वान ब्राह्मण अरत कलम और उद्दका राम पुत्र की शरण में जा पहुंचे। गहन ध्यान और तपस्या के बाद भी जब उन्हें संतोष प्राप्त नहीं हुआ तब गौतम ने निरंजन नदी के किनारे 5 अन्य सन्यासियों के साथ घोर तपस्या कर अपनी काया को कृश कर लिया। वो 6 वर्ष तक सत्य की खोज में भटकते हुए मृत्यु के बेहद करीब पहुंच गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि इस तरह आत्मदमन कर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, अतः उन्होंने पुनः भोजन ग्रहण करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से उनके 5 साथी उन्हें छोड़कर चले गए। एक दिन जब गौतम ध्यान में रखते तब सुजाता नामक एक कन्या ने उन्हें घी अर्पित किया। लक्ष्य प्राप्ति के पूर्व सुजाता द्वारा दी गई घी उनका अंतिम भोजन था। उन्होंने 7 सप्ताह की घोर तपस्या प्रारंभ की। दानवों के राजा मारा ने छल, बल, भय आदि से उनकी तपस्या भंग करने के अनेक प्रयत्न किए, परंतु अटल गौतम अपने ध्यान में लीन रहे। तभी अचानक उन्हें पूर्ण शांति और निर्मलता की अनुभूति हुई। उनके शरीर से अलग अलग रंगों की किरणें प्रस्फुटित होने लगी। अंततः उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध बने। बैठे हैं तथागत तरुवर की छाया में, ध्यान विलीन सत्य की राह में, ज्ञान ज्योत जलाकर हर भय समाप्त किया। एक राजकुमार ने सन्यासी बन बुद्धत्व को प्राप्त किया। गौतम बुद्ध ने ज्ञान और सत्य की शिक्षा देने हेतु भ्रमण प्रारंभ किया। गया से वे सारनाथ पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने अपने 5 साथियों को दीक्षा दी और संघ की स्थापना की। बुद्ध आजीवन घूम घूम कर सत्य का प्रकाश फैलाते रहे। अपनी यात्रा के दौरान जब वे मगध पहुंचे तब महाराज बिंबिसार ने वेणुमन उन्हें उपहार स्वरूप अर्पित किया। उसके बाद वे कपिलवस्तु पहुंचे जहां पर उन्होंने अपने पुत्र सहित समस्त परिजनों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। लगभग 45 वर्ष तक लगातार धर्म प्रचार के पश्चात वे अपने शिष्यों के साथ कुशीनगर पहुंचे। अपने शिष्यों को सदैव सत्य की राह पर चलते रहने का अंतिम उपदेश दे उन्होंने पूर्ण सचेतन अवस्था में अपना शरीर त्याग कर महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया।
चिर निद्रा की चाह में साल वृक्षों की छांव में अस्त हुआ है जैसे सूरज कुशीनगर के गांव में। त्याग शरीर उसने महापरिनिर्वाण पाया, जिस सन्यासी ने सबको सत्य का मार्ग दिखाया। आज भी विश्व भर में बौद्ध विहारों, मंदिरों और संग्रहालयों में गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेष सुरक्षित रखे हुए हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी इन्हें परम श्रद्धा भाव से पूजते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित दिवसों को बौद्ध समूह पवित्र मानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा उनका सबसे प्रमुख त्योहार है। इस दिन को वे बुद्ध जयंती, बौद्धत्व और महापरिनिर्वाण के रूप में मनाते हैं। बौद्ध मंदिरों और मठों में भिक्षुकों को भोजन करवाया जाता है और बौद्ध अनुयायी उनके धर्मोपदेशों को सुनते हैं। बुद्ध के शरीर से प्रस्फुटित छह रंगों के मेल से बौद्ध धर्म की पताका बनी है। इसका प्रत्येक रंग बुद्ध के श्रेष्ठ गुणों का प्रतीक है। बौद्ध धर्म आज विश्व के प्रमुख और व्यापक धर्मों में से एक है। इसके अनुयायी लंका, बर्मा, चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, नेपाल, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि देशों में फैले हुए हैं। हर वर्ष इन देशों से बहुत से तीर्थयात्री भारत यात्रा पर आते हैं। भगवान बुद्ध शांति और इधर बहुत सारे यहाँ पे फोटो भी देखने को मिल जाएंगे। बुद्ध जी का प्रतिमा भी बनाया गया इधर। तो म्यूजियम के अंदर जैसा कि हमने देखा, वहाँ पे थिएटर लगा हुआ था। गौतम बुद्ध के बारे में जीवनी बता रहे थे वहाँ पे कि कैसे गौतम बुद्ध वहाँ पे अपना तपस्या किए थे जंगल में जा करके, और अपने पत्नी पुत्र को छोड़कर तप करने के लिए जंगल की ओर निकल गए थे। वो सारा वीडियो वहाँ पे दिखाया गया थिएटर में। तो उसके बाद हम लोग बाहर आए हैं, वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन कुछ वीडियो आपको दिखा दूंगा। तो गाइस अभी हम लोग अंदर से आए गए म्यूजियम देखकर, और आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसा लगा। ऐसे तो अंदर हम लोग को वीडियो नहीं ले पाया भाई, फिर भी कोशिश किया थोड़ा सा क्लिप लेने का। तो अंदर हम लोगों को वीडियो अलाउ नहीं था बनाना, इसके कारण हम लोग अंदर वीडियो नहीं बना पाए, इसके लिए सॉरी। और आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। बोला गया कि पार्क में ही आप लोग वीडियो बनाइए और इससे उसी का मतलब जो रिलेटेड बारे में दिखाइए, और तो हम लोग उसी के बारे में हम लोग कुछ कुछ बता रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये फ्रेश पानी यहाँ पे भरा जा रहा है, इसी को रात में नज़र आएगा तो बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर जाने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा 50 रुपये, और इसके अंदर भी बुद्ध भगवान का प्रतिमा है और शांति का प्रतीक है। तो लोग जाते हैं शांत माहौल से साइलेंट मोबाइल करके, और कैमरा अलाउड नहीं है। तो हमने म्यूजियम में गया, म्यूजियम में भी कैमरा अलाउड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी के पास। और चलकर आप लोगों को दिखाते हैं, ओपन है और आप लोग देखकर एंजॉय लीजिए। आप लोग ये देख सकते हैं नज़ारा, ये बनाया गया बुद्ध जी का प्रतिमा। आप लोग देख सकते हैं ये बहुत पुराना सा ये दीवार आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जो यहाँ बनाया गया है, बट इसमें कुछ है नहीं, पता नहीं क्या क्या गणेश है। ये पुराने जो बुद्ध स्मृति बना था और दीवार गिर गए हैं, और इसको प्राचीन काल में बनाया गया था, अभी भी टिका हुआ है दीवार बिना सीमेंट का, ये ऐसा लगा हुआ है, बहुत पुराना है। आपको काफ़ी 15-20 इंच का दीवार मिल रहा है, पहले ऐसा ही बनता था। राजगीर में है, राजगीर में है नहीं, नालंदा में, नालंदा खंडहर।